जिस दिन हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है, एक बच्चे ने कहा था कि सर हम पढ़ना चाहते हैं। हम सुबह इंतजार करते रहे, तैयार होके बैठे रहे, बच्चा नहीं आया, फिर बैठे रहे, बच्चा नहीं आया, फिर बैठे रहे, बच्चा नहीं आया, तीन दिन तक बच्चा नहीं आया। सबसे पहले मेरे भाई, जो भी इस तरीके के लोग हैं टीचर बनना चाहते हैं, ये डिसाइड कर लो, ये एक दंगल है जिसमें आपको बच्चे के साथ में उतरना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी है, कहते नहीं थारा भाई चमन इतनी वीडियो बनाएगा, इतना बेहतरीन पढ़ाए, सब कुछ हम करेंगे। हमारे यहाँ हाई स्कूल में बच्चा आता है, हम लोग मैथ देखते हैं, साइंस देखते हैं, इंग्लिश देखते हैं, बच्चे का सामाजिक भी पढ़ाते हैं, अलग से लेके आते हैं, भले खुद पढ़ना पड़े बैठ के, सामाजिक पढ़ाते हैं, उसकी हिंदी देखते हैं सर, ठीक, उसके बाद अगर कंप्यूटर है, सामाजिक कुछ भी है, सब देखते हैं, आखिरी में दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार प्री बोर्ड लेते हैं। इंटर में अंधाधुन तरीके से जितने ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते, किसी से पूछ लेना, जितने टेस्ट हम ले लेते शहर में शायद ही कोई लेता हो, अंधाधुन। कई कई बार ऐसा होता है कि बोला 10 तारीख से पेपर है, 5 को बैच बंद हो रहा, हमें मालूम हम तैयारी करवा चुके हैं, लेकिन बच्चा कहता सर जी तैयार, हम कहते नहीं एक टेस्ट आउट लेंगे। जान लगाओ मेरे भाई, जान, इतनी जान लगाओ, इतनी जान लगाओ, सामने वाला कहे करना क्या चाहता, पागल हो गया क्या ये आदमी, बोले हाँ पागल ही हो गए, हम करेंगे। कोई आपके कॉम्पिटिशन में रह जाएगा अगर आप अपने पे उतर आए ना, चाहे एक आदमी आए, चाहे 10 आदमी आए, चाहे पूरा शहर मिलके खिलाफ खड़ा हो जाए, अरे कोई नहीं आएगा मेरे भाई, आदमी कहेगा मेरे भाई छोड़ दो हमें, तुम अपना करो जाके, हम नहीं तुम्हारे बीच में नहीं आ रहे। मेरे भाई सीधी सी बात है, अपने अनुभव ज्यादा फ्लो में चलेगा तो उसके लिए सॉरी सर, ठीक है, लेकिन रियलिटी जब हम दिल से बोलते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि कौन क्या देखेगा और क्या कौन क्या सोचेगा। भाई मेरा मानना है बात आप तक, अनुभव आप तक पहुंचना चाहिए, और कुछ गलत कह दिया हो तो हाथ जोड़ के सॉरी। फिलहाल जिन लोगों ने सवाल पूछा था शायद उन तक पहुंच गया हो। सर ने कमेंट किया और बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर जी हम लगभग बहुत दिनों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 10,000 से ऊपर कमा ही नहीं पा रहे हैं, बच्चे बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्या करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आज अपने दिल की बात और अपने पिछले 12 सालों का एक्सपीरियंस आपको बताने वाले मेरे भाई। हमने इस वीडियो में शुरुआत नहीं की हेलो दोस्तों करके, क्योंकि आज दिल से बात निकलेगी मेरे भाई। जो भी व्यक्ति ने कमेंट किया था बिल्कुल दिल से आपसे ही कनेक्ट करेंगे, और हर उस बच्चे से कनेक्ट करना चाहेंगे जो भी बच्चा जिंदगी में पढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, चाहे आप YouTube पे पढ़ा रहे हो, घर पे पढ़ा रहे हो, कहीं भी पढ़ा रहे हो, अपने दिल की बात आपसे कहने वाले। इस वीडियो को पूरा देखना और मेरे भाई ध्यान से देखना, टीचिंग कोई खेल नहीं है, ये एक दंगल है जिसे आपको लड़ना पड़ेगा मेरे भाई। बच्चे कई बार, अभी बार बार बच्चे कहेंगे सर जी हमें ये समस्या है, सर जी हमें वो समस्या, आज भी रात के 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, जितना सपोर्ट बच्चे का हम कर पाते हैं, अगर हम एक भी कमेंट देख लेते हैं मेरे भाई कि ये बच्चा बहुत दुखी है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस बच्चे के लिए कुछ तो कर ही दें हम कम से कम। हाँ हो जाता है कभी कभी, बहुत सारे लोग, कितना जब लाखों लोग हैं कितनों को ही सपोर्ट करोगे, लेकिन हमेशा कोशिश रहती है, बच्चों ने कहा महा क्लास लाओ लेके आए। ये एक दंगल है मेरे भाई, बच्चा खुद तो मेहनत करेगा लेकिन उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जिस पे वो भरोसा कर सके कि हम अपने सर जी से कहेंगे मेरी कोई ना सुने, स्कूल वाले मेरी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मम्मी पापा सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर हम सर जी से कहेंगे तो सर जी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे अभी बच्चे बहुत परेशान थे, सर जी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी बॉटनी, हमने मॉडल पेपर नहीं मिल रहे थे, हमने जुगाड़ लगाई, पुराने बच्चों को फोन किया, उस बच्चे से कहा भाई कुछ भी करो ढूंढ के लाओ जाके, वो बच्चा जूलॉजी बॉटनी के मॉडल पेपर लेके आया, और अब आज से हम उसे भी देखना स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे उन बच्चों के लिए कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो तो बनाई दें। मेरे भाई एक दंगल है, जो भी बच्चे ये सोच रहे थे कि 10,000 रुपए, हम जैसे बच्चा कह रहा था 10,000 से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे, स्टूडेंट नहीं बढ़ रहे हैं, अरे भाड़ में गए 10,000 रुपए। भाई सबसे पहले अपने अंदर से लेके आओ कि हमें सिर्फ पढ़ाना है यार, पैसे आए ना, अरे पैसे तो आएंगे ही मेरे भाई, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। एक बात हम आपको बता दे रहे, अपनी जर्नी बताने वाले हम आपको, ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है, एक बच्चे ने कहा था कि सर हम पढ़ना चाहते हैं। हम सुबह इंतजार करते रहे, तैयार होके बैठे रहे, बच्चा नहीं आया, फिर बैठे रहे, बच्चा नहीं आया, फिर बैठे रहे, बच्चा नहीं आया, तीन दिन तक बच्चा नहीं आया। सोचो क्या गुजर रही होगी, खुद 12वें में सोचो क्या गुजर रही होगी, अरे यार लोग मजाक उड़ा रहे तो पढ़ाने वाले थे, कोई पढ़ने नहीं आ रहा, लेकिन दिल में हमेशा एक रहा, जिस दिन हमने पढ़ाना स्टार्ट किया उसी दिन कसम खाई थी जिंदगी में कभी कोई फॉर्म नहीं डालेंगे, और कोई कह नहीं सकता हमने किसी फॉर्म का पेपर देते हुए देखा, आज तक कोई फॉर्म नहीं डाला। लोगों ने कहा बर्बाद हो जाओगे, हमने कहा हमें बर्बाद होना, हमें कुछ भी करना, बिल्कुल सन की आदमी हम हमेशा। लोग हमसे कई बार ये कह देते हैं तुम्हारे लिए बच्चों से बढ़ के कुछ है ही नहीं, तुम यार मेरे प्रोग्राम में नहीं आए, हमसे बात नहीं करते हो, बहुत बड़े होशियार हो गए हो, अरे हो गए भाई हम हो गए हैं, कहते नहीं सनकी होना पड़ेगा मेरे भाई। टीचर अपने बच्चे के लिए आपको पागल होना पड़ेगा, जिस दिन आप बच्चे के लिए पागल हो जाओगे मेरे भाई बच्चा सपोर्ट करेगा। जैसे अभी एक टीचर थे उनके बारे में मैं सुनने को मिला, फीस को लेके कुछ खिच्चू मचा, रहे यार
क्या मतलब है यार, टीचर होके अगर फीस के लिए बदतमीजी हो रही है, बातचीत हो रही है, झिकझिक बाजी हो रही है, अरे ऐसा है पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड है मेरा, कोई कितना भी आया हो आज तक हमने पैसे से गिने नहीं, वो जो दे जाता है रख लेते हैं मेरे भाई। आपको बच्चे के लिए जान झोंकनी पड़ेगी। कई बच्चे हैं जैसे उन्होंने रात में 4 बजे मैसेज किया, कोशिश करते अगर हमें दिख गया तो ये नहीं इग्नोर कर दिया, आज भी रिप्लाई करते हैं रात के 4 बजे बिना ये सोचे हुए कि सामने वाला क्या सोचेगा, कर देते हैं रिप्लाई यार। तो सबसे पहले मेरे भाई जो भी इस तरीके के लोग हैं टीचर बनना चाहते हैं, ये डिसाइड कर लो ये एक दंगल है जिसमें आपको बच्चे के साथ में उतरना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी है, कहते नहीं थारा भाई चमन इतनी वीडियो बनाएगा, इतना बेहतरीन पढ़ाए, सब कुछ हम करेंगे। हमारे यहाँ हाई स्कूल में बच्चा आता है, हम लोग मैथ देखते हैं, साइंस देखते हैं, इंग्लिश देखते हैं, बच्चे का सामाजिक भी पढ़ाते हैं, अलग से लेके आते हैं, भले खुद पढ़ना पड़े बैठ के, सामाजिक पढ़ाते हैं, उसकी हिंदी देखते हैं सर ठीक, उसके बाद अगर कंप्यूटर है सामाजिक कुछ भी है सब देखते हैं, आखिरी में 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार प्री बोर्ड लेते हैं, इंटर में अंधाधुन तरीके से, जितने ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते किसी से पूछ लेना आप, जितने टेस्ट हम ले लेते शहर में शायद ही कोई लेता हो, अंधाधुन। कई कई बार ऐसा होता है कि बोला 10 तारीख से पेपर है, 5 को बैच बंद हो रहा, हमें मालूम हम तैयारी करवा चुके हैं, लेकिन बच्चा कहता सर जी तैयार, हम कहते नहीं एक टेस्ट आउट लेंगे, जो लोग ऑफलाइन वाले देख रहा हूं कमेंट करके बता, हम कहते नहीं एक टेस्ट आउट लेंगे, अरे पेपर अच्छा हो या ना हो हम अपना 100% देंगे, जब तक हमें संतुष्टि नहीं हो जाएगी तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अभी पिछले 3 महीने से लगातार क्लास चल रहा, बच्चा कहता है सर जी ये छुट्टी नहीं, काहे की छुट्टी भाई, नई छुट्टी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं सन की पल्ले पड़ गया, कह लो सन की, हमें विलेन बना लो कोई बात नहीं, दिल से बोलना मेरे भाई ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, और आपको भी ये बात अपने अंदर लानी पड़ेगी। ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, हटाओ रुपए सब हटा दो, पहला गुरु मंत्र दे रहा है मेरे भाई, अगर कुछ भी मानते हो हमें पहला गुरु मंत्र दे रहा है, जान झोंक दो बच्चे के साथ में, फ्री में पढ़ा रहे हो, 100 रुपए में पढ़ा रहे हो, 200 रुपए में पढ़ा रहे हो, जो पढ़ा रहे हो मेरे भाई, एक बच्चा पढ़ा रहे हो कोई बात नहीं, जान झोंक दो, देखो फिर 1 से 2 कैसे होते हैं, 2 से 4 कैसे होते हैं, 4 से 6 कैसे होते हैं। जब हमने स्टार्टिंग करी थी मेरे घर पे पन्नी पड़ी हुई थी मेरे भाई, एक बच्चा वो भी 3 दिन पढ़ने नहीं आया, फिर वो बच्चा पढ़ने आया मेरे हाथ कांपते थे लिखते हुए, पहले दिन जिनसे बोर्ड मांग के लाए थे अगले दिन वो वापस ले गए, पड़ोसी की दीवार पे सेल फोड़ा और पढ़ाना शुरू, अरे कोई रोक लेगा क्या, अगर हमें पढ़ाना ही है तो सेल फोड़ के भी पढ़ाएंगे, ऐसी तैसी सेल फोड़ के पढ़ाया, फिर सीमेंट वाला बोर्ड बनवाया, चौक से पढ़ाया, फिर बोर्ड पहला बोर्ड जिंदगी में खरीदा, बड़ा खुश थे, आज की डेट में कम से कम 10 बोर्ड मेरे यहाँ फालतू टंगे हुए हैं, ये जो पीछे डिजिटल बोर्ड लगा हुआ हाँक नहीं रहे, सिर्फ यही 2 लाख रुपए का, बता रहे हैं आपको कि ये जर्नी कहां से आई, बच्चे बड़े कैसे ये बता रहे हैं, लेकिन आज तक गवाह है, जितना मेरे पास जब नॉलेज थी और जितना एफर्ट हम लगा सकते थे उतना हमने हमेशा लगाया, अपनी तरफ से 100% दिया कि करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। बच्चा कहता सर जी ये ठीक है देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे कैसे भी करके, कुछ ना कुछ करके लेके आएंगे, सीधी सी बात। तो ओवरऑल पहला मंत्र मेरे भाई, जो बच्चे भी जो है लाखों रुपए कमाना चाहते हो मत भागो लाखों रुपए के पीछे, आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देना मेरे भाई, इतना इतनी मेहनत करनी है बच्चे के साथ, बच्चा जो समस्या आप समस्या बताओ यार, तुम नहीं ढूंढ पाओगे कोई बात नहीं, अरे मेरे पास अनुभव ज्यादा है हमें थोड़ा कम टाइम लगे, हम ढूंढेंगे बेटा, तुम पढ़ो खाली, आप पढ़ो हम मेहनत करेंगे भाई, सीधी सी बात है, इतना सा बस समझना है। जिस दिन आपने बच्चे की समस्या पे ध्यान देना शुरू कर दिया मौत काट दोगे मौत। तो पहली बात समझ लो, जान लगानी है मेरे भाई, कतई अंधाधुंधी कतई बिल्कुल भी अपनी मेरी भाषा में गए हरामखोरी नहीं देनी है कतई भी, लगे कि हो सकता है तो हाँ करेंगे बात खत्म, अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है तो करना है हमें मेरे भाई, सीधी सी बात। और दूसरी बात समझ लो, उन बच्चों के जो लोग कह रहे बच्चे नहीं बढ़ रहे मेरे भाई, कॉम्पिटिशन बहुत है, हर दिन मेरी एक नई किताब छप रही है बहुत जल्द आएगी उसे जरूर पढ़ना, उसके पहले पन्ने पे हमने लिखा हुआ है हर दिन हर पल हर एक सेकेंड हर एक घड़ी एक नई शुरुआत है, आप बैठ नहीं सकते हो मेरे भाई, कि अगर हम ये सोचते कि सबसे पहले हमारे पास बस एक बोर्ड बन गया है ठीक है मेरे पास 30 लोगों के बैठने की जगह है, नहीं, फिर हमने एक बड़ा हॉल बनवाया उसमें 70 लोगों के बैठने की जगह थी, फिर हमने एक और बड़ा हॉल बनवाया उसमें 150 लोगों के बैठने की जगह थी, फिर हमने ये कोचिंग बनवाई मेरे भाई, इसमें लगभग 300-250-300 लोग बहुत आराम से बैठ जाएंगे, पार्किंग की अलग व्यवस्था सारी, और अभी रुके नहीं है भाई, अभी तो एजुकेशन को बहुत आगे ले जाना है, इतना आगे ले जाना है। लोग कहते हैं यार करना क्या चाहते हो, मेरे भाई कोई भी बच्चा अगर कुछ की कोई भी समस्या है तो वो सॉल्व होगी, मेरी छोटी वाली बहन कोचिंग के ना चलते कहीं साइंस साइड नहीं पढ़ पाई, हम लोग जैसे तैसे मैनेज करके पढ़ पाए, पिताजी हमारे कब के नहीं पढ़ गए भाई 25-26 साल हो गए, लेकिन दिल में हमेशा एक बात रही यार बच्चों के लिए कुछ करना है हमेशा,
और अगर हमसे कोई पूछे कि आप इतना जल्दी सब कैसे कर लिया, मेरे भाई हम यही कहेंगे हमने आज तक जो किया बच्चों के लिए किया, और हम आज भी जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए हम कुछ भी खोने को तैयार, अगर बच्चों का फायदा हो, हमेशा कहते हैं ये बात। हो सकता है कुछ लोग निगेटिव कमेंट करें, इमोशनल करने आ गए, जो कर, हमें नहीं मालूम, हम दिल से बोल रहे हैं। लेकिन ये जो आपने कहा सर ना, इसका यही सोल्यूशन है, जान झोंक दो पूरी तरीके से, ऐसी जो होगा निपटा जाएगा, बच्चों के साथ मिलकर दम लगाओ यार। बच्चा कहे सर जी समस्या नहीं, हम साथ में मिलकर लड़ेंगे यार, उड़ेंगे तो संघ में उड़ेंगे, गिरेंगे तो संघ में गिरेंगे, जो होएगा निपटा जाएगा, आ जाओ, दिल से बोलना भाई, ठीक है। और दूसरी बात, कंपटीशन मेरे भाई बहुत है, वो कंपटीशन भी बीट हो जाएगा अगर वाकई में आपने जान लगा दी ना, दिल से आपकी बात बच्चे तक पहुंचेगी और बच्चा आपको मानेगा, मेरे भाई हम आपसे कह रहे हैं। लेकिन जान लगाओ, दिखाओ मत, लगाओ जान मेरे भाई, जो होगा ये देखो, ये पसीना निकल रहा है, अरे निकलने दो यार, अगर एक आदमी तक भी मेरी बात पहुंच गई कोई बात नहीं भाई, क्या फर्क पड़ता है, पसीना क्या, और उससे गोरा ही होता है, मिलो मिला लो, हाथ मिला लो, आ जाओ, अच्छा आ जाओ, लड़कियों तक को फेल कर देंगे हम, देखो कितना गोरा हाथ आ रहा, पसीना निकल रहा, गोरे हो रहा है यार, फायदा है उसका, क्या दिक्कत है। जान लगाओ मेरे भाई, जान, इतनी जान लगाओ, इतनी जान लगाओ, सामने वाला कहे करना क्या चाहता, पागल हो गया क्या ये आदमी, बोले हाँ पागल ही हो गए हम, करेंगे हम, करेंगे करेंगे करेंगे, बस इतना करना। और रह गई कॉम्पिटिशन की बात, कोई आपके कॉम्पिटिशन में रह जाएगा अगर आप अपने पे उतर आए ना, चाहे एक आदमी आए, चाहे दस आदमी आए, चाहे पूरा शहर मिलके खिलाफ खड़ा हो जाए, अरे कोई नहीं आएगा मेरे भाई, आदमी कहेगा मेरे भाई छोड़ दो हमें, तुम अपना करो जाके, हम नहीं तुम्हारे बीच में नहीं आ रहे। मेरे भाई सीधी सी बात है, अपने अनुभव से बता रहे हैं, आज की डेट में शहर में जितने भी टीचर हैं, जो भी लोग हैं, सब लोग बहुत सम्मानीय, मिलते हम नमस्ते करते हैं, पैर भी छू लेते हैं, लेकिन मेरी बातचीत किसी से नहीं होती, क्यों, लगे रहो भाई, हमें जो करना है हमें करना है भाई, सीधी सी बात है। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ समझा पाए होंगे, कॉम्पिटिशन बहुत है, इस कॉम्पिटिशन को बीट करने का केवल एक ही तरीका है, अपना 100% देना, जान लगा दो, जितने रिसोर्सेस हैं, दीवार पर पढ़ा सकते हो दीवार पर दम लगाओ, बोर्ड पर पढ़ा सकते हो बोर्ड पर दम लगाओ, जो कर सकते हो बच्चे के लिए वो करो, और फिर देखो कैसे मजा आता है मेरे भाई, कैसी चीजें बढ़ती, माउथ पब्लिसिटी, बच्चा खुद जाके बताएगा कि वहां चलो सर जी बढ़िया पढ़ाते, बात खत्म। तो उम्मीद करते हैं काफी कुछ आपको समझा पाए होंगे, थोड़ा सा ज्यादा फ्लो में चलेगा तो उसके लिए सॉरी सर, ठीक है। लेकिन रियलिटी जब हम दिल से बोलते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि कौन क्या देखेगा, क्या कौन क्या सोचेगा भाई, मेरा मानना है बात आप तक, अनुभव आप तक पहुंचना चाहिए, और कुछ गलत कह दिया हो तो हाथ जोड़ के सॉरी। फिलहाल जिन लोगों ने सवाल पूछा था शायद उन तक पहुंच गया होगा, और हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, आज भी यहीं रहेंगे पूरी रात मेरे भाई, सेकंड सेमेस्टर फोर्थ में, जो नहीं आ पाई वीडियो उसके लिए पहले तो सॉरी, और वो सारी वीडियोज आपके लिए अंधाधुंध लेके आएंगे, और फिर देखो मिलकर मजा काटते हैं। चलिए सर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।